नहीं, शराबबंदी नहीं हो पाई है, जुआ सट्टा है, हम जो भी चलता था वो सब बंद हो चुका है। जितनी भी गुंडागर्दी थी अभी 5 साल में बिल्कुल बहुत कम है। एडमिशन जल्दी नहीं होता है, उसके लिए भर गए हैं बच्चे ऐसे कहकर। सभी भाई विधायक जी तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, कुर्सी पार में परिवर्तन बहुत आ गया है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा, इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के। ये आप देख रहे हैं, ये श्रमिक बहुल कुर्सी पार क्षेत्र है। यहाँ पे सभी राष्ट्रीय पार्टियों के समर्थक रहते हैं, अपना मर्जी से वोट देते हैं। यहाँ के अधिकतर मतदाता श्रमिक बहुल क्षेत्र में काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये मैं कुर्सी पार क्षेत्र के एक मोहल्ले में आया हूँ, जो बैठे हुए हैं यहाँ के रहवासी, स्थानीय रहवासी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनसे हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार व स्थानीय विधायक जो हैं देवेंद्र यादव, कांग्रेस के भी हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काम से ये कितने संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए बहन जी आपको धन्यवाद। सर, हम इनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। आज से पहले 15-20 साल पहले बहुत सारी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की, लेकिन अभी जो 5 साल से हमारे यहाँ विकास हुआ है कभी नहीं हुआ, और कभी भी कोई ऐसा नेता नहीं आए कि जो किसी से कोई पब्लिक के साथ संपर्क करे। अभी हमारे जो MLA विधायक आए हैं सबसे मिलजुल के संपर्क कर रहे हैं, बहुत सारा काम विकास करवाया गया है, बच्चों की शिक्षा से ले के हॉस्पिटलों से ले के हर चीज़ के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, रोड से लिए हम लोग बहुत परेशानी झेले हैं, पानी से लेके हर चीज़ के लिए, लेकिन ये जो 5 सालों में काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और 2 साल रहे जो कोरोना के, उसमें कोरोना में किसी भी नेता ने आके कभी वार्डों में किसी की परेशानी नहीं देखी, किसी को क्या परेशानी है, कैसे है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, लेकिन ये हमारे जो विधायक नेता अभी के लाडले जो विधायक हैं, क्या नाम बताएंगे, देवेंद्र यादव, हाँ, तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। कोरोना काल में इन्होंने सबसे मिलजुल के सब की सहयोग किया है, सबसे राशन से लेके हर चीज़ को लेके सबके साथ, हॉस्पिटल से लेके, मतलब पूरा सहयोग दिया है, और पब्लिक इसके लिए बहुत खुश है। हमारा क्षेत्र में जितना विकास हुआ है इनके आने से ही हुआ है। लेकिन शराबबंदी नहीं हो पाई? नहीं, शराबबंदी नहीं हो पाई है, जुआ सट्टा है, हम जो भी चलता था वो सब बंद हो चुका है। जितनी भी गुंडागर्दी थी अभी 5 साल में बिल्कुल बहुत कम है, मतलब 0 के बराबर आ गई है। लेकिन भाजपा जो विपक्षी पार्टी और आरोप लगाती है कि सबसे अधिक गुंडागर्दी नशाखोरी बिलाई में हो रहा है। मेरे को यहाँ आए हुए 41 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने बहुत कुछ देख चुकी हूँ अपनी उम्र में, लेकिन अभी जो ये 5 साल के बीच में जो परिवर्तन आया है, पहले बिल्कुल नहीं था। जगह 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 हर जगह गुंडागर्दी, हर जगह अड्डे। अभी जो है हमारे क्षेत्र में कुर्सी पार में कि बहुत अच्छा ऐसा हो गया है कि कहाँ भी कोई ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ इनके अड्डे बने हुए थे सब खत्म हो चुके हैं। बहन जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ आत्मानंद स्कूल जो है उसके लिए, एडमिशन के लिए बहुत, मतलब हर कोई चाहते हैं कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़े करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई, हाँ, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन वहाँ एडमिशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब एडमिशन जल्दी नहीं होता है, हाँ। उसके लिए भर गए हैं बच्चे ऐसे कहकर, हो रहा है, हाँ, बच्चे को मतलब ज़्यादा एडमिशन वगैरह के लिए लें, मेरा वही कहना है। और हर जगह मंदिर वगैरह बहुत अच्छा बना है, और देवेंद्र यादव भैया बहुत अच्छा काम किए हैं, उसके विधायक अच्छा काम किए हैं, यहाँ के युवा विधायक हैं। मैं दूसरी महिलाओं से बात करता हूँ, बताएंगे आप विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं, सब खुश हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, सब खुश हैं, नहीं अच्छा अच्छा काम किया है सब, और आगे भी अच्छा काम करें, आगे भी हम यही चाहेंगे कि हमारे आए और अच्छा काम करें। सरकार कैसा काम किया है? सरकार बहुत अच्छा काम करी भाई, विधायक जी तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, कुर्सी पार में परिवर्तन बहुत आ गया है, जा गली कूचे में जो अड्डे थे वो सब नहीं है, है ना, और हम उनके काम से बहुत खुश हैं, और आगे भी वो आना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए विधायक जी। आप नहीं बहन जी आप ठीक है, जैसे सब ठीक बोल रहे हैं वैसे हम भी ठीक बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, बोलो, नहीं, बोलो, आपकी कुछ तो विचार होंगे विधायक के काम से, ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा विधायक के? सब ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया बोल रहे हैं, तो हम भी बढ़िया बोल रहे हैं।
रोड बना है बहुत अच्छा बना है एकदम पक्का है। 20 साल के मतलब 20 साल तक देखना नहीं पड़ेगा कि हम लोग का रोड कुछ होगा करके, एकदम पक्का काम हुआ है कांग्रेस से, बहुत अच्छा काम हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोल पा। महिलाएं कहने से हिचक रही है। मैं बात करता हूँ, एक अंकल जी बैठे हैं उनसे। छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे क्या काम है जो आपको अच्छा लगा हो? छत्तीसगढ़ का सरकार का ऐसा काम है मतलब जरूरत ज़्यादा अच्छा है, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में, मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं ना, कई लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ये जुआ खोरी, मतलब जुआ तो एकदम जुआ हो गया, सट्टा हो गया, तो बंद ही है टोटल। विधायक के अंदर सिर्फ कहने की बात है, कहीं विधायक के ऐसे क्या काम है देवेंद्र यादव को जो आपको अच्छा लगा हो? विधायक का तो पूरा ही काम अच्छा है। क्या क्या बताएंगे? सारा काम, रोड देखिए कैसा है, पहले हम लोग यहाँ पर मतलब खड़े नहीं हो पाते थे, अभी ऐसा है कि मतलब सो सकते हैं, इस टाइप का है। मतलब रोड हो गया, बिजली हो गया, बिजली देखिए पूरा एकदम बना हुआ, लाइट यहाँ समा देखिए, कुर्सी पार पूरा देखिए एकदम चमका हुआ। पहले लाइट गोल रहता तो आता ही नहीं था, दिन भर गायब रहता था, अभी तो ऐसा है कि सुबह के टाइम सिर्फ गोलों पर 1 घंटा गोल होता बस, उसके बाद में पूरा लाइन रहता है। क्या विधायक चुनाव के समय आ रहे कि हर समय आते रहते? नहीं, वो तो हर समय आते हैं, शुरू से मतलब हर हफ्ता 10 दिन में एक बार आते ही आते हैं विधायक। मतलब ऐसा ही नहीं है, पहले जैसा विधायक जैसे नहीं है कि एक बार आए 5 साल के बाद में दिखना चालू हो, ऐसा नहीं है। अब वो तो 5 साल के बाद में एक बार दिखते खाली, अभी जैसे चुनाव आया उसे दिखते हैं, उसके बाद में दिखते नहीं है। और अभी तो ऐसा है मतलब विधायक मतलब 1 हफ्ता 15 दिन में एक बार चक्कर मारते ही मारते हैं, और सबसे मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते, सभी से मिलते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं विधायक के बारे में? हमारे विधायक जी देवेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। हमारे इस मोहल्ले में बहुत सारी समस्याएं थी, पानी की जो पूर्ति की पूरा कंप्लीट किया, आज के डेट में सबके घरों में नल लगा हुआ है, और प्लस ये सबसे पहले ये रोड है ये एकदम अच्छे से हो गया है, और अपना स्कूल है आत्मानंद, उनका भी इसका विकास हुआ है, और अभी सुनने में आ रहा है कि 2 आत्मानंद स्कूल और खुलेंगे करके, एक अपना जो सेक्टर 11 बालकनाथ मंदिर के सामने वो, और एक अपना दुर्गा मंदिर में, और ये अपना ये जीता जाता सबूत है अपना ग्राउंड, उसको भी पूरा एकदम उन्होंने विकसित किया, विकास किया, हर चीज़ किया, जहाँ पर महिलाएँ एकदम प्यार मोहब्बत से अपना रात भर टहलते हैं। आप विधायक के काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत संतुष्ट। पूरी कुछ विधायक थे अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमने सिर्फ इलेक्शन के समय उनको देखता है, फर्स्ट टाइम जो रैलियों में नहीं दिखते हैं, उसके बाद 2 साल 3 साल कोई नहीं दिखता है, फिर जब इलेक्शन आता तब वो दिखते हैं करके। और अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम ठीक है, क्योंकि वो लोगों से कनेक्टेड है, हर पब्लिक से, जनता से, महिलाओं से, सबसे एकदम बैठ के बात सुनते हैं, हर चीज़ करते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से पहले कहीं जाओ तो विधायक लोग के पास 2-2 घंटा बैठना पड़ता था, उसके बाद जब बाहर निकलते थे, नहा धो के मंदिर जा रहा हूँ, किसी अपने कार्यकर्ता को बोलते देख लेना, वो सुनते थे हमारी, उसके बाद कोई काम नहीं होता था। पर तो विधायक जी के पास जाओ तो वो लास्ट जो पब्लिक में बैठे रहते हैं कुर्सी, तब तक वो आते हैं, उनसे सबसे सुन के उनकी जो भी समस्या है उनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ मतदाता कह रहे हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और जो उम्मीदवार भी 2023 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव, वे हर समय आके इनके दुख सुख में खड़े होकर काम करते थे, और पूर्व विधायक के बारे में बोलते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कभी आए कभी नहीं आए। फिर हम माता जी कुछ कहना चाहते हैं बताएंगे? मैं भाजपा की जो सरकार है मैं उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सीधी नहीं जो बात है सामने आ रहा है कि पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि भाजपा के जितने भी नेता हैं 5 साल पहले जो भी हमारे प्रेम प्रकाश पांडे रह चुके हैं 5 साल या 10 साल 15 साल पहले, लेकिन कभी आज तक हमने नहीं देखा कि रोड में कहीं गली में किसी से संपर्क करते, इलेक्शन के पहले 1 महीना 10 दिन पहले घूमते हैं, उसके बाद कोई किसी से पूछने नहीं आता कि यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या किसी का हालचाल है, क्या नहीं है, पानी है रोड में, कुछ बिजली की कोई परेशानी, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब वोट लेना रहता है तो सब हाथ जोड़ने के लिए सामने आते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता है किसी का हालचाल पूछने के लिए। और बाकी यहाँ धर्म के नाम से 5 साल पहले हमारा एक पार्षद रह चुका है जोगिया भाजपा का, जोगिंदर शर्मा, और यहाँ वो धर्म के नाम से वोट मांगने आ रहा है, यहाँ आके हमारे रैली गई है यहाँ से, हम तो आम पब्लिक हैं, हमको उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, पब्लिक का मर्जी की बात है कोई किसी को भी वोट डाले,
किसी को भी वोट डाले, लेकिन तुम्हारा धर्म के नाम से जो बोलना है बहुत गलत है। बोल रहा हाँ पंजाबी लोग वोट डाल रहे हो, बाद में अपना सोच के रखना, बहुत गलत शब्द बोला है। इसके लिए हमने आवेदन भी दिया है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है थाने में। तो इसके लिए मैं बहुत मतलब नाराज हूँ, ये बात को थोड़ा सा सामने लाना है। और मैं बहुत इस दिमाग में एकदम घुटन रखी हुई हूँ कि मैं इसको कब ओपन करूँ इस बात को। और बाकी जो भी काम होता है कांग्रेस का जो होता है, बोर्ड लगते हैं, झंडे लगते हैं, तो आके तुरंत निकलवा दिए जाते हैं। भाजपा के भाजपा वाले आके तुरंत कंप्लेन करते हैं, उड़न दस्ते वाले को बुलाते हैं, निकलवा देते हैं। और कांग्रेस वाले क्यों नहीं जाके कंप्लेन करते, उड़न दस्ता वाले को आके फौरन निकाल देते हैं? इसके बारे में भी हमारे को पूरा निर्मा चाहिए। अच्छा, ये मेडिकल की सुविधा कैसी है यहाँ पे, स्वास्थ्य का क्या, कोई गाड़ी आती है कि नहीं आती? आती है सर। हाँ बताएंगे। आती है सर, गाड़ी आती है घरों में आकर के बुला के लेके जाते हैं। मेडिकल होता है सबका। विधायक जो देवेंद्र यादव हैं वर्तमान में, जो विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, यहाँ के मतदाता चाहते हैं, उनके काम बहुत अच्छे हैं, क्यों हर समय आके उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। एक भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब सरकार के बारे में, अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ हल्का सा, नहीं बताएंगे। भाई साहब का मूड नहीं बताने का। 2023 का विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को दुर्ग जिले में होगा, मतदाता कितना पसंद करके राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगी, और 3 दिसंबर को पेटी खुलेगी, वो पेटी में जो मत पड़े हैं वो विधायक बनेगा, ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, बिलाईनगर विधानसभा।